आटा मैंने गूंद लिया है। जैसे आपको तो हमारी रूटीन का पता चल ही गया होगा, पहले गाय माता की रोटी, एक डोगी की रोटी, फिर बाकी सब। एक चपाती मैंने बेल ली है। ये आटा जो है ये हम बाज़ार से नहीं लाते हैं, हम एक साथ सीज़न में गेहूँ खरीदते हैं, फिर उसको धो के धूप लगा के फिर पिसवाने देते हैं चक्की पर, तो न्यूट्रिशियस है, तो विश्वास भी है, ट्रस्ट भी है, क्योंकि हमारा जो कज़न ब्रदर है, मासी का बेटा, हम उससे ये अनाज लेते हैं, तो उन पे तो पूरा विश्वास है, सबसे अच्छी वाली देते हैं वो गेहूँ। तो मैं सोच रही थी, जब मैंने आपको बताया कि पापा की कढ़ाई है, वो तब यूज़ करते थे जब कुंवारे थे, जॉब नहीं लगी थी, मैं सोचती, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कैसे लोग चले जाते हैं ज़िंदगी से, अचानक निकल जाते हैं, उनका सामान रह जाता है, उनकी यादें रह जाती है, हर चीज़ में पापा की याद है, हर चीज़ में, 10 साल उनके साथ गुजारे हैं, हर चीज़ में उनकी याद है। तो पता नहीं ये सेपरेशन एंजाइटी कब ख़त्म होगी, पर बार बार मेरे को याद आता है, इस बात पे पापा ये बोलते थे, इस बात पे वो बोलते थे, मेरे तो बड़ी थे, वे मिस हिम, कूल, बहुत कूल इंसान थे वो, हर चीज़ को एंजॉय करने वाले। चलो चलो बनाते हैं, ना तो विवेक मेरे सर पे सवार हो जाएंगे, अब उन्होंने आज तो उन्होंने जाना है। चलो टेक केयर, बाय।